इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आज राजनीतिक दलों द्वारा की जाने वाली सभी जातीय रैलियों पर अगली सुनवाई तक रोक लगाती है। साथ ही सभी राजनीतिक दलों को नोटिस भेजा है और अगली सुनवाई पर सभी राजनीतिक दलों को इस पर जवाब देना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस, बीजेपी, सपा और बसपा से इस बाबत जवाब तलब भी किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जातीय और धार्मिक सम्मेलनों पर रोक क्या लगाई, पार्टियों के सुर ही बदल गए। बसपा, सपा और कांग्रेस खुद को पाकसाफ और विपक्षी को दागदार बताने पर आमादा हैं। जाति और धर्म के आधार पर रैली या सम्मेलन पर हाईकोर्ट की रोक लगते ही यूपी का सियासी पारा भी गर्म हो गया। भाजपा अब तक अल्पसंख्यक सम्मेलन से लेकर कई तरह के जातीय प्रयोग कर रही थी। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने जमकर इस तरह के प्रयोग किए थे। अब कोर्ट की रोक के बाद भाजपा ने अपने किए पर पर्दा डाल सपा और बसपा पर हमला बोल दिया है। कहते हैं उनकी पहल पर ही इस तरह के जातीय सम्मेलन पर रोक लगी है। इसी फैसले के बहाने जातीय आधार पर जनगणना पर रोक लगाने की मांग भी भाजपा ने कर डाली। कांग्रेस इस मुद्दे पर सभी दलों पर हमलावर है। उसके मुताबिक ये बड़ा फैसला है, साथ ही प्रदेश में इस तरह के सम्मेलनों से विद्वेष की भावना फैलती है। कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन पर भी कांग्रेस ने दूसरे दलों पर हमला बोला कि इस तरह के सम्मेलन से भारत की समरसता को खतरा है। इस तरह के सम्मेलन करने में सबसे आगे रहने वाली समाजवादी पार्टी अब कुछ कुछ बैकफुट पर नजर आ रही है। उसके मुताबिक कोर्ट के हर फैसले का सम्मान है, पर इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस तरह के सम्मेलन जागरूकता के लिए भी जरूरी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिगत वोट बैंक और जातीय सम्मेलन एक बड़ी सच्चाई है, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले ने राजनीतिक दलों को एक नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर ये रोक जारी रहती है तो कई दलों को अपनी रणनीति भी बदलनी पड़ सकती है। केंद्र सरकार ने यूपीए की चेयरपर्सन और कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली को एक और सौगात दी है। रायबरेली में पहला महिला विश्वविद्यालय खोला जाएगा। यह देश का ऐसा विश्वविद्यालय होगा जो केवल महिलाओं के लिए है। विश्वविद्यालय का नाम पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखा जाएगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने बताया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय विधेयक 2013 को संसद के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। संसद में विधेयक पारित होने के बाद विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कदम उठाए जाएंगे। 12वीं योजना अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के गठन पर करीब 500 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद रायबरेली की जनता को एक बड़ी सौगात मिलेगी। दरअसल ये देश का पहला महिला विश्वविद्यालय होगा। नीरज भड़ाना को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर भड़ाना परिवार राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचा। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने भी जंतर मंतर के परिवार का साथ दिया। हम आपको बता दें कि नीरज भड़ाना की मौत 6 तारीख को मुरादाबाद के देहातंक यूनिवर्सिटी में हुई थी, जिसका मामला तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। फरीदाबाद में रहने वाले रामकिशोर ने अपनी बेटी नीरज को मुरादाबाद के तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में भेजा तो था डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए, लेकिन यूनिवर्सिटी के माहौल ने उसे मौत के मुंह में पहुंचा तो तब हो गई जब 6 जुलाई को उसकी मौत की खबर परिवार वालों को आत्महत्या के तौर पे पहुंचाई गई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया कि नीरज भड़ाना की मौत नहीं बल्कि हत्या हुई थी। परिवार वालों ने मुरादाबाद में FIR दर्ज कराकर यूनिवर्सिटी के चेयरमैन सुरेश जैन को इस हत्याकांड के पीछे मुख्य आरोपी बनाया। इसमें सुरेश जैन के बेटा शामिल होने की बात भी कही गई, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन ने किसी की गिरफ्तारी नहीं की है, जिसके विरोध में दिल्ली लखनऊ हाईवे को भी जाम किया गया था और अब जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है। यह बड़ा सवाल ये नहीं है कि सुरेश जैन ने अपने पैसे की पावर का कितना इस्तेमाल किया या मुरादाबाद की पुलिस उदासीन क्यों हो गई। बड़ा सवाल ये है कि जब शिक्षा के मंदिरों को ऐसे वैश्य और आपराधिक छवि वाले लोग चला रहे हैं तो आप और हम खामोश क्यों हैं? ये सवाल समाचार प्लस भी आप सबके सामने उठा रहा है। प्रतापगढ़ में कोर्ट में बयान होने से पहले बलात्कार पीड़िता की दबंगों ने जबान काट ली, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है और जिला अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। वहीं पुलिस उस पूरे मामले में लीपापोती में जुटी है। जिला अस्पताल में गंभीर हालत में जिंदगी से जंग लड़ रही यह नाबालिग लड़की जेठवारा थाना के नवबस्ता गांव की है।
इस लड़की को गांव के लवलेश नाम के एक युवक ने 22 जनवरी को जबरन अपनी हवस का शिकार बनाया। पीड़ित परिवार ने जब इस मामले में आप बीती स्थानीय थाने के पुलिस को बताई तो पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में पीड़िता का न्यायालय में 24 जुलाई को बयान होना था, लेकिन उसके पहले ही सच्चाई खुलने की डर से आरोपी युवक लवलेश का भाई लालाजी और उसकी बुआ का लड़का कुंदन ने उसकी जुबान को धारदार हथियार से उस समय काटने का प्रयास किया जब वह घर से बाहर निकली थी। गंभीर हालत में उसे आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी है। इस मामले में पुलिस लड़की की जुबान काटने की बात नहीं मान रही है, जबकि उसके जीभ पर लगा गंभीर जख्म खुद ब खुद सच्चाई बयां कर रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही प्रतापगढ़ में भी बलात्कार की बारिश आ गई। अब तक पुलिस रिकॉर्ड में 150 से अधिक मामले बलात्कार के दर्ज किए गए। कुछ में तो सड़क से लेकर पुलिस अधिकारियों तक लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया, फिर भी पुलिस की लापरवाही इस कदर है कि प्रतापगढ़ में दबंगों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और अब पीड़िता की जबान भी काट ली। शुक्रवार को होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं, जिसमें खाद्य सुरक्षा कानून को प्रदेश में लागू कराना काफी अहम माना जा रहा है। उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को होने जा रही है। शाम 5 बजे सचिवालय में बैठक शुरू होगी। बैठक में राज्य में केंद्र के खाद्य सुरक्षा कानून को किस तरह से लागू करना है, इस पर फैसला होगा। साफ है शुक्रवार को प्रदेश की बहुआ सरकार इसके मानकों को तैयार कर लेगी, जिसे प्रदेश की 75% जनसंख्या को इस योजना के तहत आच्छादित कर दिया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने भी इसकी पुष्टि कर दी है कि राज्य कैबिनेट में शुक्रवार को इसका मसौदा आने जा रहा है। साफ है अगर ऐसा हो गया तो प्रदेश की गरीब जनसंख्या को इसका अच्छा फायदा हो जाएगा, साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए भी यह योजना वरदान साबित होगी। वहीं कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी के अनुसार इस योजना के शुरू होने से राज्य में उन लोगों का भला होगा जो एक जून की रोटी के लिए भी जुगाड़ नहीं कर पाते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री सहित उनकी कैबिनेट के मंत्री भी खाद्य सुरक्षा कानून को लागू किए जाना काफी अहम बता रहे हैं। इसके लागू होने से प्रदेश की 75% से अधिक जनसंख्या को इसका लाभ भी मिलेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य सरकार पर जल प्रलय से हुए नुकसान की वास्तविकता छुपाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि राज्य सरकार भ्रमित आंकड़े लोगों के सामने पेश कर रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि बीजेपी आपदा प्रभावितों की सहायता के लिए कोष गठित कर रही है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड सरकार पर आपदा की वास्तविकता छिपाने के आरोप लगाया है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि उत्तराखंड सरकार आपदा से हुए नुकसान को छुपा रही है। उन्होंने राज्य सरकार से वास्तविकता लोगों के सामने लाने की बात कही है। रावत ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि राज्य सरकार को सच लोगों के सामने लाना चाहिए, क्योंकि आपदा से बहुत नुकसान हुआ है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि बीजेपी एक आपदा राहत कोष गठित कर रही है, जिसमें 50 से 75 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कोष में जमा हुई धनराशि को आपदा प्रभावित लोगों की सहायता के लिए खर्च किया जाएगा। हालिया जल प्रलय से जान और माल के हुए नुकसान को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है। चूँकि राज्य सरकार के अफसरों में ही विरोधाभास है, इसलिए बार बार सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद राज्य के पुनर्निर्माण को लेकर कवायद शुरू हो गई है। ऐसे में केंद्र सरकार ने राज्य के पुनर्निर्माण की कमान अपने हाथों में ले ली है, जो प्रदेश में निर्माण कार्यों के साथ साथ पुनर्वास को लेकर भी दिशा निर्देश जारी करेगी। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद पहाड़ के लोगों को बसाने और नए उत्तराखंड का पुनर्निर्माण करने के लिए केंद्र सरकार ने सबसे बड़ी पहल कर दी है। जहां जल प्रलय से तबाह हुए उत्तराखंड का नए सिरे से निर्माण अब सीधे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की देखरेख में होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक 14 सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया है। यह समिति राज्य में पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए समय समय पर दिशा निर्देश जारी करेगी। साथ ही समिति तबाही से उत्तराखंड को हुए नुकसान के मद्देनजर उसके पुनर्निर्माण पर होने वाले खर्चे को लेकर भी राज्य के लिए पैकेज तय करने का भी काम करेगी। आपको बताते चले, समिति ठीक वैसे ही बनाई गई है जैसे तमिलनाडु और अंडमान क्षेत्र में सुनामी से हुई तबाही के बाद केंद्र ने समिति बनाई थी। इस समिति ने प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में जगह दी गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री हरीश रावत को सदस्य के रूप में जगह दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पीसीएस अधिकारी हरशंकर पांडे के घर पुलिस द्वारा उनके विभागीय कागजात भेजे जाने के मामले में पीएम लखनऊ, एसपी लखनऊ व प्रमुख सचिव से किया है जवाब तलब। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच पीसीएस अधिकारी हरशंकर पांडे के घर विभागीय कागजात पुलिस बल द्वारा भेजे जाने के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था और इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से डीएम लखनऊ, एसपी लखनऊ व प्रमुख सचिव नियुक्ति से कल तक जवाब तलब किया है।
और इस मामले में हरशंकर पांडे की वो जांच रिपोर्ट जिसमें वो ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के एक अभियंता के आय छुपाने के मामले में जांच कर रहे थे उनको भी पेश किए जाने के आदेश दिए गए हैं और शुक्रवार को इस मामले पर आगे की सुनवाई की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को नियत की गई है, पर देखने वाली बात यही होगी कि शासन द्वारा इस मामले पर कोर्ट को क्या जवाब दिया जाता है। सपा नेता शिवपाल यादव और अंबिका चौधरी समेत कई वीआईपी आजम खां की मां के निधन पर शोक व्यक्त करने उनके निवास स्थान रामपुर पहुंचे। रामपुर में शिवपाल यादव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बाढ़ प्रभावित जिलों को मदद न दिए जाने के सवाल पर कहा कि अभी तो बाढ़ की शुरुआत है, सुरक्षा की जाएगी, अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, लापरवाही पर कठोर कार्रवाई होगी। जाति समीकरण के नाम पर चुनाव कराने पर कोर्ट के आदेश आने पर शिवपाल यादव ने कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। दोषी सांसदों और विधायकों को 2 साल की सजा पर सदस्यता खत्म करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कैबिनेट मंत्री आजम खान ने कहा कि किसी से नेचुरल जस्टिस छीन नहीं सकते। यूपी में बाढ़ से बिगड़ रहे हालात, सरकार ने जारी किया अलर्ट, 23 जिले अति संवेदनशील और 11 जिले संवेदनशील किए गए घोषित। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ का कहर जारी है। घाघरा, गंडक और सारदा खतरे के निशान को काफी पीछे छोड़ चुकी हैं। लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर काफी बढ़ रहा है। सीतापुर में घाघरा और सारदा के साथ साथ चौका नदी ने मुसीबत बढ़ा रखी है और यहाँ करीब 150 गांव बाढ़ की चपेट में है। लखीमपुर में सारदा का पानी खतरे के निशान से 75 सेंटीमीटर ऊपर है। बाराबंकी में घाघरा ने कहर बरपा रखा है, यहाँ करीब 100 गांव बाढ़ की चपेट में है। लोग तटबंध के ऊपर शरण ले रहे हैं। अम्बेडकर नगर और बलिया में घाघरा नदी खतरे का निशान पार कर चुकी है। सरकार ने 23 जिलों को अति संवेदनशील और 11 जिलों को संवेदनशील घोषित कर दिया है। सबसे ज्यादा मुसीबत में वो लोग हैं जो तटबंधों और नदियों के बीच में बसे हुए हैं। दरअसल यूपी में 3500 किलोमीटर के तटबंध हैं जिनके किनारे किनारे लोग बसे हुए हैं। वो लोग जो नदियों और तटबंधों के बीच में बसे हैं उनके लिए डुग्गी डुग्गी पीट कर तटबंध के ऊपर या फिर उनको दूसरी ओर जाने के लिए कहा जा रहा है। हर प्रभावित जिले में एक एडीएम फ्लड रिलीफ तैनात किया गया है जिस पर इन सारे कामों की जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं, सिंचाई विभाग के अधिकारी नेपाल और मौसम विभाग के संपर्क में हैं और पल पल की पानी बढ़ने की सूचना हर जिले के जिलाधिकारियों को दे रहे हैं ताकि लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र में महिला ग्राम प्रधान के पति पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला कर भाग रहे 3 बदमाशों को गुस्साए ग्रामीणों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना फतेहउल्ला गांव की है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि इस गांव की प्रधान शिव कुमारी बिंद के पति राम किशुन बिंद एक प्राइमरी स्कूल पर बच्चों के मिड डे मील की व्यवस्था कराकर बाइक से घर वापस लौट रहे थे। प्रधान पति घर के करीब पहुंचे थे कि इसी दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों ने उन पर निशाना साध कर फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों ने प्रधान पति को 3 गोलियां मारी और भागने लगे। आक्रोशित ग्रामीणों ने वारदात को अंजाम देकर भाग रहे तीनों बदमाशों को दौड़ाकर पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई की, जिसके बाद तीनों बदमाशों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बलिया में 3 सगे भाई बहन ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खा लिया, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 1 भाई की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। तीनों सगे भाई बहन बीएससी, बीकॉम और इंटर के छात्र थे। इनके माता पिता भी 7 साल पहले इन्हें अनाथ करके चले गए थे, तब से चाचा चाची ने ही इन लोगों की देखभाल की। तीनों ने जहर क्यों खाया कारणों का पता नहीं चल सका है। हालांकि पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौत के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। नोएडा के सेक्टर 11 में आज अज्ञात बदमाशों ने एक रेस्टोरेंट के मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद बदमाशों ने मैनेजर का शव इको गाड़ी में छोड़कर फरार हो गए। ये वही रेस्टोरेंट है जहां पर दिलवर सिंह मैनेजर के रूप में काम किया करते थे, लेकिन देर रात अज्ञात बदमाशों ने दिलवर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। रात तकरीबन 11 बजे दिलवर सिंह अपने घर के लिए निकले थे, लेकिन सेक्टर 11 में दिलवर सिंह की हत्या कर बदमाश उनकी लाश उन्हीं की इको गाड़ी में छोड़कर फरार हो गए। रेस्टोरेंट के कर्मचारियों की माने तो 2 दिन पहले कुछ लोग होटल पे आए थे और लड़ाई झगड़ा किया था। बाद में जाते जाते उन लोगों ने दिलवर सिंह को मारने की धमकी भी दी थी। दिल्ली से सटे नोएडा में आए दिन लूटपाट, हत्या जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी इन पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। जब इस पूरे मामले पर हमने पुलिस के आला अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो पुलिस के आला अधिकारी कैमरे के सामने आने से बचते रहे, शायद उनके पास जवाब नहीं था। गाजियाबाद में बदमाशों ने एक कारोबारी के ड्राइवर को चकमा देकर उसकी कार से 25 लाख रुपए निकाल लिए।
इस वारदात को कवि नगर थाना क्षेत्र के व्यस्तम इलाके RDC में अंजाम दिया गया। कारोबारी आनंद प्रकाश अपनी ओडी कार से सुबह करीब 11:30 बजे कवि नगर थाना क्षेत्र के RDC इलाके में एक कारोबारी को पैसा देने के लिए आए थे। रुपयों से भरा बैग गाड़ी में ही था और व्यापारी निकलकर यहां एक ऑफिस में किसी से मिलने चले गए। तभी उनके ड्राइवर हरी से दो लोगों ने कार को पीछे हटाने को कहा। हरी ने जैसे ही कार का सेंट्रल लॉक खोला तभी दोनों बदमाश रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। पिछले 24 घंटे में कवि नगर थाना क्षेत्र में ये दूसरी बार हुआ है जब बदमाशों ने दिन दहाड़े